अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिक्स मैथ की जो हमारी डायरी है 1810 की, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट चेक 8, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इस पर डेट लगा लें। डेट लगाने के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड एंड ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दीज इमेजेस यूजिंग अ कंपस। कंपस की मदद से आपने इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है। जैसे कि आपको क्लास में बताया गया था 8.3 के अंदर हमने ये क्वेश्चंस किए थे, जिसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कंपस की मदद से कैसे किया था कि हमने पहले ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाया था, फिर कंपस को हमने हाफ से ज़्यादा ओपन करके इनके दरमियान में एक आर्क ऊपर की तरफ लगाई थी और एक आर्क नीचे की तरफ, फिर इस पॉइंट पर रख के एक आर्क, उसी आर्क को हमने कट किया था ऊपर भी और नीचे भी। वो जो पॉइंट जो कि आर्क को कट कर रहे थे, हमने उन पॉइंट्स को आपस में मिला के ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लगानी है इसके दरमियान में। अगर आपको समझ ना आए तो आप अपना जो क्वेश्चन है, पुराने जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, उसको ओपन करके देख लें कि हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपने इन फिगर्स को देखते हुए आपने अननोन एंगल्स, जैसे एंगल ए, एंगल बी, ये फाइंड करना है पहले वाले में। अगर फर्स्ट वाले में देखें तो जैसे हमने पहले ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके दरमियान में जो एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है, जो इसको कट कर रही है, हमने देखना है कि ए बी का एंगल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो बी जो है वो 62 एंगल के करस्पॉन्डिंग है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब बी भी हमारे पास क्या होगा, 62 डिग्री होगा। अब ए कैसे फाइंड करना है? अगर हमें ये बी एंगल मिल गया है, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। वो जो सर्कल ड्रॉ होगा, हमें पता है कि ये जो सर्कल होता है हाफ, ये हमारे पास 180 का होता है, तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 180। हम बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 62, और फिर वो 62 उधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर अगर बी देखें तो इसमें हमारे पास हमने बी सी डी ई एफ जी और एच फाइंड करना है। हमें अगर हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमने देखे थे कि हमने हर पॉइंट को अलग अलग एक सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पे भी और एक सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ करके देखना है। वर्टिकल ऑपोजिट में क्या था कि इनके दरमियान में आपस में क्रॉस क्रिएट होता है कि डी जो है वो 70 के वर्टिकल ऑपोजिट है और बी जो है वो सी के वर्टिकल ऑपोजिट है। अगर हमारे पास डी वर्टिकल ऑपोजिट है 70 डिग्री के, तो इसका मतलब डी का जो एंगल आएगा वो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो इसी तरह जो सी और बी जब हमने फाइंड करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 70 प्लस बी इज इक्वल टू 180 कर सकते हैं, या सिंपली अगर हम देखें तो ये जो 70 एंगल है ये ई के हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब ई भी हमारे पास क्या होगा, 70 डिग्री होगा। यहाँ से ई और एच हमारे पास क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है, इसका मतलब ई इज इक्वल टू एच है, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अगर ये भी 70 डिग्री है ई बी, तो हम एक हाफ सर्कल से पहले यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो जो बी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास एफ के करस्पॉन्डिंग होगी, इसी तरह एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर एफ की वैल्यू आती है, वो एफ और जी आपस में हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जी भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा और बी से हमारे पास सी भी क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट से एंगल फाइंड हो जाएगा। इसी यही सेम क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में किया हुआ है, आप उसको ओपन करें, उसी मेथड को फॉलो करें और इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए साथ साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर सी देखें तो उसमें ए और एफ जो हैं आपस में वर्टिकल ऑपोजिट हैं। अगर ए और एफ वर्टिकल ऑपोजिट हैं, इसका मतलब अगर सी वाला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ये जो एफ है और ये जो 45 डिग्री है, ये हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर एक लाइन में एंगल यहाँ पे आ रहा है हमारे पास और एक जो एंगल है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या, वर्टिकल ऑपोजिट में आ जाता है। इसका मतलब ए भी हमारे पास क्या है, एफ के वर्टिकल ऑपोजिट है, तो अगर ए 45 डिग्री आता है तो एफ भी हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसके अलावा फिर हमने क्या करना है,
ये बी एंगल फाइंड करने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, बी प्लस 107 डिग्री करेंगे जो कि 180 की डिग्री है, और फिर इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 73 डिग्री। वर्टिकल ऑपोजिट होने की वजह से ये जो बी एंगल है वो जी के क्या हो जाएगा, हमारे पास 73 डिग्री, और इसी तरह ये बी और सी डिग्री, सी वाला एंगल जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 73 डिग्री। जब हमने ये डी एंगल फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करते हुए जिसमें तीनों एंगल्स का सम है 180 के इक्वल होता है, बी हमें पता है 45 हमें पता है, तो डी का एंगल हमारे पास निकल आएगा। डी के अंदर हमने क्या करना है, ये जो एंगल ए है हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए प्लस 135 करेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री रखेंगे, तो हमारे पास ए का एंगल फाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो इसमें हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है और मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन करना है फॉर द सिमेट्रिक फिगर्स। तो आपने वो सेम इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिखना है, कितनी बार इसको हम 360 में इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, तो कितनी बार घुमाने से आएगी वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इस फिगर का। उम्मीद करती हूँ आपका ये काम आज कंप्लीट हो जाएगा और आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एच वर्क भी करने हैं और आपका क्लास में चेक किया जाएगा। फी अमान अल्लाह।